दोस्तों आजकल एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रही है बहुत सारे फोटोग्राफर्स के साथ, काफ़ी सारे जो वीडियोग्राफर्स हैं उनके साथ में। प्रॉब्लम यह है कि कई बार आपका जब आप काम करते हैं तो आपकी जो वीडियो फाइल्स है या आपकी जो फ़ोटोज़ हैं वो कई बार करप्ट हो जाती हैं। अब एक इंसिडेंट मेरे साथ हुआ, एक दिन मैं शूट कर रहा था अपना एक इम्पॉर्टेंट वीडियो और वहाँ मुझे कुछ वीडियोस अच्छे खासे शूट करने थे कमर्शियल और वहाँ पे कुछ फ़ोटोज़ भी थे, लेकिन जब मैं अपने फ़ोटोज़ और अपने वीडियोस को ट्रांसफ़र कर रहा था मेरे लैपटॉप में तो उस बीच में जो है मेरे कैमरा की बैटरी ऑल ऑफ अ सडन जो है पूरी ड्रेन आउट हो गई, यानी कि बीच में ट्रांसफ़र करते वक्त पूरा कैमरा ही चलना बंद हो गया। और जब बाद में मैंने फ़ोटोज़ चेक किए जो मैंने ट्रांसफ़र किए थे, जब मैंने दोबारा उसको ट्रांसफ़र करने की कोशिश की तो वहाँ मैंने देखा कि मेरी जो वीडियो फाइल्स हैं वो करप्ट हो चुकी है। यानी कि मैं ऐसे बता सकता हूँ, जो केस ऐसा था कि मान लीजिए 10 फाइल्स हैं तो उसमें से मेरी करीब 8 फाइल्स जो है वो करप्ट हो चुकी थी, सिर्फ 2 फाइल्स ही ट्रांसफ़र हुई थी। अब यहाँ पर एज अ वीडियोग्राफर आपके ऊपर ये टेंशन आ जाता है कि भाई इसको अब हम रिपेयर कैसे करें, क्योंकि ये एक अजीबोगरीब केस था जिसे मैं बिल्कुल सॉल्व करने में अपने आप को बहुत मुश्किल में पा रहा था। सिमिलरली जो फ़ोटोज़ थी मेरे कैमरा के अंदर वहाँ भी यही प्रॉब्लम हुआ कि कुछ फ़ोटोज़ जो है वो तो ठीक ठाक से ट्रांसफ़र हो गई, लेकिन कुछ फ़ोटोज़ को जब मैं खोल रहा था तो वो करप्ट हो गई। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए ये मेरी वीडियो फाइल है स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, और जब मैं इसे ओपन करने की कोशिश कर रहा हूँ तो ये फाइल ओपन नहीं हो रही है। और सिमिलरली ये देखिए फोटो मैं आपको दिखा रहा हूँ स्क्रीन के ऊपर, इसे मैंने जब खोलने की कोशिश की तो कुछ इस तरह से ये पिक्चर मुझे दिखाई दे रही थी, यानी कि मेरी फोटोज़ जो है वो करप्ट हो गई थी। तो भाई अब करप्ट होने के ना वीडियोज़ और फोटोज़ बहुत सारे कारण होते हैं दोस्तों। जैसे मेरे केस में तो बैटरी चली गई थी, बट काफ़ी बार क्या होता है कि आपके सॉफ्टवेयर में या आपके लैपटॉप के अंदर अगर मॉलवेयर आ गया है या कोई वायरस आ गया है, या कई बार जो है आपका कार्ड जो है वो कई बार डैमेज हो जाता है किसी वजह से, या कई बार जो है इलेक्ट्रिसिटी का फ्लक्चुएशन होने की वजह से भी आपकी वीडियोज़ हैं वो करप्ट हो जाते हैं, या कई बार गलती से आपका कैमरा नीचे गिर गया शूट करने के बाद तो भी कई बार फाइल करप्ट हो जाती है, और कई बार कोई भी एक अननोन रीज़न है, कुछ बोल नहीं सकते बिकॉज इट्स ऑल इलेक्ट्रॉनिक थिंग, तो कई बार हमें पता नहीं चलता बट किसी भी कारण से हमारे जो वीडियोज़ हैं और हमारे जो फोटोज़ हैं वो करप्ट हो जाते हैं। तो भैया इसका सोल्यूशन क्या है वो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ आज रिपेयर इट की। अब रिपेयर इट एक बहुत ही एक अमेजिंग टूल है दोस्तों। अब रिपेयर इट जो है ये एक वंडर शेयर का टूल है, और कैसे हम इसे यूज़ कर सकते हैं, कैसे इसे डाउनलोड कर सकते हैं, और कैसे आप इसे फ्री में इसकी ट्रायल कर सकते हैं, और अगर आपको लग रहा है कि आपका डेटा इससे जो है आपका जो करप्ट वीडियोज़ हैं आपकी करप्ट फोटोज़ इससे रिपेयर हो जाएंगी तो आप इसका पेड वर्जन भी ले सकते हैं। इसका जो लिंक है कैसे डाउनलोड करना है सारा प्रोसेस का वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लगा दिया है, तो इस वीडियो को देखने के बाद आप जाइए और इस जो टूल को है आप ट्राई करिए। आई एम श्योर कि आपकी प्रॉब्लम जरूर सॉल्व होगी, तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिए। वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स, दिस इज मनीष सक्सेना, लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों मैं आपको इसका पूरा डेमो दिखाऊं किस तरह से रिपेयर टूल काम करता है और कैसे आप अपने करप्ट वीडियोस को करप्ट फोटोज को रिपेयर कर सकते हैं, उसके पहले मैं वंडरशेयर को थैंक्स बोलना चाहूँगा जिसकी वजह से जो है रिपेयर इट को मैं परचेज कर पाया, और इस टूल की मदद से मैंने अपने सारा जो मेरा फ़ोटोज़ थे और मेरे जो वीडियोस थे जो करप्ट हो गए थे उसे मैं रिपेयर कर पाया, जिसकी वजह से मेरा जो है काफ़ी एक जो बोलते हैं मेंटल स्ट्रेस और जो एक कमर्शियल वैल्यू थी उस काम की वो सारा मेरा पैसा जो है वो सेव हो पाया। तो यहाँ पर दोस्तों आपको करना कुछ नहीं है, आपको सीधा सीधा जाना है repairit.wondershare.com पे। इसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन डाल दिया है, वीडियो देखने के बाद आप भी इसे ट्राई कर सकते हैं। अब जैसे ही आप जाएंगे देखिए ये पेज इस तरह से खुल जाता है। अब यहाँ आप देख पा रहे हैं ट्राई इट फ्री, यानी कि आप इसे फ्री में ट्राई कर सकते हैं, चाहे आप विंडो यूज़र हैं चाहे आप मैक यूज़र हैं, दोनों इसे यूज़ कर पाएंगे। आप इसे फ्री में ट्रायल ले लीजिए। कुछ फीचर्स मैं ज़रूर बताना चाहूँगा दोस्तों डेमो दिखाने से पहले। तो आप सबसे पहले जो है इसको डाउनलोड कर लीजिए, और मैंने फिलहाल जो है इसे परचेस किया हुआ है तो मैं ऑलरेडी इसे डाउनलोड कर चुका हूँ। लेकिन मैं आपको बता दूँ इसमें आपको क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं वो मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। अगर आपका फॉर्मेट है वीडियो का MP4 जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, या .avi या .jpeg है इमेजेस, या .mov है, .mkv है, या .mts है, आप वो सारे फॉर्मेट आसानी से करप्ट वीडियोस को आप रिपेयर कर पाएंगे। अगर आप किसी भी ब्रांड का कैमरा यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो कैनन है, सोनी है, सैमसंग है, गोप्रो है, या नाइकॉन है, वो सारे अगर उनसे भी आपने इन सारे ब्रांड्स पे आपने इन कैमराज पे शूट किया है तो भी आसानी से आप अपने करप्ट वीडियोस और करप्ट फोटोज़ को रिपेयर कर पाएंगे। उसके अलावा अगर हम बात करें केसेस की, तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे वीडियो करप्ट हो गया है वो भी आप रिपेयर कर पाएंगे, पिक्सलेटेड का इशू है तो वो भी आप ठीक कर पाएंगे, फ्रोजन है वो भी आप रिपेयर कर पाएंगे, ब्लरी है तो वो भी आप रिपेयर कर पाएंगे,
नॉट ओपनिंग है तो वो भी आप ओपन कर पाएंगे, एंड अगर फोटो करप्ट हो गई है तो वो भी आप रिपेयर कर पाएंगे। तो ऑलमोस्ट आपको रिपेयर इट टूल जो है हर तरह का सोल्यूशन दे रहा है, तो मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर ये बहुत अच्छे से काम करता है। अब जैसे कि आप जानते हैं कि मैं रिपेयर इट टूल को परचेज ऑलरेडी कर चुका हूँ, तो मैंने इसे डाउनलोड कर रखा है अपने लैपटॉप पे। चलिए मैं इसे ओपन करता हूँ इस तरह से, और जैसे हम इसे ओपन करते हैं तो स्क्रीन जो है कुछ इस तरह से आपको दिखाई देती है। तो यहाँ आप लेफ्ट हैंड साइड में देख पा रहे हैं वीडियो रिपेयर दिखा रहा है आपको, फोटो रिपेयर दिखा रहा है, फाइल रिपेयर एंड ऑडियो रिपेयर। तो ना केवल आपके ये करप्ट वीडियो या फोटोज़ को ये रिपेयर करता है, बल्कि अगर आपकी कोई भी फाइल या आपका कोई भी ऑडियो करप्ट हो गया है तो उसे भी ये रिपेयर टूल जो है वो रिपेयर करके देता है, जो कि बहुत ही अच्छी बात लगी मुझे। तो अब हम देखते हैं ये किस तरह से काम करता है। तो फिलहाल मैं एक वीडियो रिपेयर करने का कोशिश कर रहा हूँ, तो ये देखिए ये बोल रहा है ड्रैग एंड ड्रॉप वीडियो हेयर टू रिपेयर। तो अब आप देख पा रहे हैं मैं एक करप्ट फाइल कुछ है यहाँ पर करप्ट फाइल्स, ये मुझे वंडरशेयर ने प्रोवाइड किए डेमो के लिए, तो वही मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको ओपन करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आप देख रहे हो कि ये डॉक्यूमेंट कह रहा है कि कुड नॉट बी ओपन, यानी कि जो MP4 फाइल है ये ओपन ही नहीं हो रही है, क्योंकि ये वीडियो पूरा करप्ट हो चुका है। तो अब इसे हम रिपेयर करने की कोशिश करेंगे, और मैं इसे यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ इस तरह से। तो देखिए ये हमने जो है इसको यहाँ पर ड्रॉप कर दिया है, और अब हम क्लिक करेंगे नीचे रिपेयर पे। तो जैसे ही मैंने रिपेयर पे क्लिक किया तो यहाँ पर एक मैसेज आ गया, 0 वीडियो रिपेयर्ड सक्सेसफुली एंड 1 वीडियो फेल टू रिपेयर, ट्राई एडवांस रिपेयर फॉर फेल्ड वीडियो। यानी कि हमने इस करप्ट वीडियो को जब कोशिश करी रिपेयर करने की तो ये करप्ट वीडियो रिपेयर नहीं हुआ, और ये कह रहा है कि भाई ये जो भी आपने वीडियो फाइल हमें दी है ये रिपेयर नहीं हो सकती, लेकिन अगर आपको इसे रिपेयर करना है तो आपको यूज़ करना पड़ेगा एडवांस रिपेयर ऑप्शन। तो अब एडवांस रिपेयर मैं पहले इसे ओके पे क्लिक कर देता हूँ। अभी जो एडवांस रिपेयर ऑप्शन है इसके बारे में आपको बता देता हूँ। ये बेसिकली क्या करता है, जैसे कि मैं करता हूँ क्लिक इस पर एडवांस रिपेयर पे, तो ये एनालाइज कर रहा है। अब एनालाइज के बाद ये कहता है एड सैम्पल वीडियो टू रिपेयर, द सैम्पल वीडियो इज प्लेबल वीडियो with frame changes and created using the same device or format as the damaged one। यानी कि इसे सरल भाषा में समझें तो ये कह रहा है कि भाई कि अगर आपको अपने इस प्रीवियस वीडियो को रिपेयर करना है तो आप उसी कैमरा से जिस कैमरा पे आपने इस वीडियो को शूट किया उसी का कोई भी एक सैम्पल फुटेज जो है उसे आप ऐड करिए, ताकि हम उससे कुछ वहाँ से डेटा कुछ कलेक्ट करके इसे हम रिपेयर कर सकें। जो भी साइंस है इनकी वो इन्होंने जिस तरह से ही बनाया, तो कहने का मतलब ये है कि अगर सेम कैमरा की फुटेज हम इसमें सैम्पल एज अ सैम्पल ऐड करेंगे और सेम फॉर्मेट जिसमें हमने खींचा है तो आपको ये रिपेयर करके देगा। तो यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ देखिए फोल्डर के ऊपर, और आप देख पा रहे हैं राइट हैंड साइड में एक मैंने फोल्डर बनाया सैम्पल वीडियो फ्रॉम कैमरा, यानी कि ये कुछ सैम्पल वीडियोज़ हैं जो कि करप्ट नहीं हुए थे, तो मैं उसमें से ही एक सेम कैमरा पे शूट हुए तो उसमें से ही एक वीडियो फाइल मैं इसमें ऐड कर देता हूँ। तो मैं क्लिक करूँगा यहाँ पे, और देखिए मैंने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया सैम्पल वीडियो फ्रॉम कैमरा, तो मैंने एक फाइल यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया इस तरह से, एंड नाउ आई एम क्लिकिंग ऑन ओपन। तो जैसे ही मैंने ओपन पे क्लिक किया नाउ आई हैव टू क्लिक ऑन नेक्स्ट। तो चलिए अब यहाँ पर यह है चेकिंग सैम्पल वीडियो, अब ये कह रहा है कि चेक सक्सेसफुली प्लीज़ कंटिन्यू विद एडवांस रिपेयर मोड, यानी कि इसने बराबर से चेक कर लिया करप्ट वीडियो और यहाँ पर सैम्पल वीडियो राइट हैंड साइड पे दिखा रहा है। अब मैं क्लिक करता हूँ रिपेयर पे, तो देखिए जैसे मैंने रिपेयर पे किया ये अब हमारा वीडियो रिपेयर होना शुरू हो गया है, और आप देख रहे हैं स्क्रीन पे यस नाउ इट्स सेइंग 1 वीडियो रिपेयर सक्सेसफुली प्रीव्यू एंड सेव द वीडियो नाउ। तो इसे ओके करते हैं हम, तो पहले हम यहाँ पर इसको प्रीव्यू कर लेते हैं। तो आप देख पा रहे हो कि वीडियो हमारा जो है अब आप देख पा रहे हो अच्छे से प्ले हो पा रहा है, यानी कि हमारा जो करप्ट वीडियो था वो अब रिपेयर हो चुका है। चलिए इसे मैं यहाँ से हटाता हूँ एक बार। अब यहाँ पर जो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है ये कह रहा है भैया सेव, तो अगर हम इसे यहाँ पर सेव पे क्लिक करेंगे तो आप इसे सेव कर सकते हैं जहाँ भी आप सेव करना चाहें। तो फिलहाल मैं इसे कर लेता हूँ एक बार डेस्कटॉप के ऊपर, तो मैंने यहाँ पर अपने डेस्कटॉप को ऑप्शन चुन लिया है, नाउ आई एम क्लिकिंग ऑन सेव। तो आप देख रहे हैं ये हमारा सेव हो गया है वीडियो, यानी कि हमारा जो करप्ट वीडियो था कितनी आसानी से हमने उसे सेव कर लिया है। और अब मैं यहाँ पर देखिए ये दिखा भी रहा है पूरा, तो अगर मैं इसे प्ले करूँगा तो अब देख पा रहे हैं स्क्रीन के ऊपर आसानी से हमारा जो वीडियो है जो कि करप्ट हो गया था वो आसानी से अब प्ले हो पा रहा है। अब इसी तरह से जो है हम कोशिश करेंगे एक करप्ट फोटो को भी रिपेयर करने की। तो मैं जाता हूँ यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में फोटो रिपेयर पे, मैंने वहाँ क्लिक किया है, अगेन इट इज़ सेइंग ड्रैग एंड ड्रॉप फोटोज हेयर टू रिपेयर। तो मैं एक फ़ोटो यहाँ पर उठाता हूँ, देखिए एक फोल्डर आपको दिखाई दे रहा है रिपेयर इट टेस्ट फाइल्स JPEG का, और यहाँ पर JPEG फाइल मैं एक उठाता हूँ देखिए इस तरह से, और आप देख रहे हैं ये एक फाइल है, जैसे ही मैंने इसे खोला देखिए इस तरह से दिखाई दे रही है, यानी कि ओपन ही नहीं हो रही है, डैमेज हो गई है। यहाँ पर
आइकन में तो ठीक से दिखाई दे रही है, लेकिन जैसे मैं इसे ओपन करने की कोशिश कर रहा हूँ, देखिए इस तरह से जो है ये एक पूरा डैमेज हो चुका है। तो इस फाइल को हम सीधा सीधा यहाँ पर ड्रॉप करेंगे, देखिए। और देखिए यहाँ पर जैसे हमने इसे ड्रॉप किया, और आप देख रहे हैं कि इसने जो है यहाँ पर इसने उसका पूरा डेटा रीड किया। जैसे आप देख पा रहे हैं कैनन कैमरा पे शूट हुई है, 6.06 MB की फाइल है, ये इसके पिक्सल्स है, जो भी इसका साइज़ है सारा दे दिया है। अब यहाँ पर ये कह रहा है रिपेयर, तो मैं इसे करूँगा क्लिक रिपेयर पे। तो देखिए जैसे मैंने रिपेयर पे क्लिक किया, नॉट इज सेइंग वन फोटो रिपेयर्ड सक्सेसफुली प्रीव्यू एंड सेव द फोटो नाउ, तो मैं ओके पे क्लिक करूँगा, प्रीव्यू देखते हैं हम। तो अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये तो थी हमारी जो करप्ट वाली फाइल दिखा रही थी ऊपर, इस तरह से खराब डैमेज हो गई थी। ये दिखा रहा है दूसरा वाला, ये दिखा रहा है हमें इसका हाई रेजोल्यूशन जेपेग, यानी कि ये अब हमारी रिपेयर हो चुकी है। और तीसरा इसके रिकॉर्ड दिखा रहा है 160x120 का, थोड़ा सा स्मॉल रेजोल्यूशन का। तो ये इस तरह से जो है आपका लेफ्ट हैंड साइड पे दिखा रहा है रिपेयर रिजल्ट 3। तो पहला वाला जैसे कि हमने कहा ये था हमारा डैमेज यानी करप्ट, ये हमारा रिपेयर होके आ गया है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं लो रेजोल्यूशन, और यहाँ पर जो है नीचे एक नोट लिखा हुआ है जहाँ पे ये कह रहे हैं कि भैया सम फोटोज आर सीवियरली डैमेज, दे कैन नॉट बी रिपेयर्ड एज बिफोर, और ओनली जेपेग इमेजेस विल बी आउटपुट आफ्टर द रिपेयर। तो इसके अंदर आप सारे फॉर्मेट होते हैं, जैसे कि आपका CR3 है, रॉ है, वगैरह वगैरह अलग अलग तरह के फॉर्मेट्स हैं, वो सारे आप इसमें ट्राई कर सकते हैं। सो ये एक बहुत ही अच्छा मुझे रिपेयर टूल लगा, जिससे ना केवल मैं अपने करप्ट वीडियोस को रिपेयर कर पाया, बल्कि करप्ट फोटोज को भी मैंने आसानी से रिपेयर कर लिया। तो अगर आप यहाँ पर भी थोड़ी क्वालिटी से सेटिस्फाइड नहीं है, तो यहाँ पर भी आप सेम वे के अंदर एडवांस रिपेयर मोड यूज़ कर सकते हैं, वो भी यूज़फुल है, बट आई एम हैप्पी विद द क्वालिटी। तो अभी मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, और अब इसे हम करते हैं सेव 3, यानी कि तीनों को हम सेव करने की कोशिश करते हैं यहाँ पर। और अगेन डेस्कटॉप पे मैं सेव कर रहा हूँ, और ये देखिए हमारी जो तीनों फाइल्स जो है सेव सक्सेसफुली। तो अगर मैं इसे यहाँ खोलूँगा, देखिए तो ये मेरी फोल्डर में फोटोज़ आ गई हैं इस तरह से। ये लो रेजोल्यूशन आया है, ये आप देख रहे हो पूरा हमारा प्रॉपर फोटो है, और ये हमारा जो पिक्चर था जो डैमेज हो गया था, जिससे करप्ट फोटो हमारी अब जो है एक सही फोटो के रूप में दिखाई दे रही है। अब एक कमाल की बात मैं दोस्तों आपको और बता दूँ, ये सारा काम जो है आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको जाना है प्रोडक्ट्स के अंदर, मैं अभी वैसे लिंक आपको नीचे डाल दूंगा, यहाँ पर आप जो है रिपेयर इट ऑनलाइन। तो यहाँ आप ऑनलाइन वीडियो रिपेयर भी कर सकते हैं, आप ऑनलाइन फोटो रिपेयर भी कर सकते हैं, और आप ऑनलाइन फाइल रिपेयर भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं क्लिक करता हूँ ऑनलाइन वीडियो रिपेयर पे, तो देखिए जैसे ही मैंने क्लिक किया तो सेम जो प्रोसेस मैंने अभी आपको डेमो में बताया था, वो आप सारा प्रोसेस ऑनलाइन भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको तीनों ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, ऑनलाइन वीडियो रिपेयर, ऑनलाइन फोटो रिपेयर, ऑनलाइन फाइल रिपेयर। तो ये बहुत ही आसान है, सिर्फ आपके पास में घर में इंटरनेट होना चाहिए, और आप घर बैठ के ही जो है आप अपने करप्ट वीडियोस को, करप्ट फोटोज़ को, करप्ट फाइल्स को जो है रिपेयर कर सकते हैं ऑनलाइन। अब बात करें दोस्तों इसकी प्राइसिंग की, तो यहाँ पर मैं जाता हूँ देखिए प्राइसिंग पे, तो आप देख पा रहे हो यहाँ पर आपको प्राइसिंग मिल जाती है। अभी चाहे आप विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं या आप यूज़ कर रहे हैं मैक वर्जन, मेरे पास फिलहाल मैक वर्जन है, तो आप देख पा रहे हैं ये इस तरह से दिखा रहा है। वन मंथ लाइसेंस आपको मिल जाता है $69.99 का, वन ईयर लाइसेंस जो कि काफ़ी पॉपुलर है ये आपको मिल जाता है $79.99 का, और फिर आपको मिल जाता है परपेचुअल लाइसेंस जो कि है करीब $99.99 का। ये उन लोगों के लिए जो लोग कि प्रोफेशनली इस तरह का काम दूसरों के लिए करके देते हैं, यानी कि करप्ट वीडियोस को, करप्ट फोटोज को रिपेयर करने का काम करते हैं। तो यहाँ पर सारे फॉर्मेट्स जो है वो आप रिपेयर करके जो है आप दे सकते हैं अपने क्लाइंट्स को। उसके अलावा यहाँ पर सब प्रोडक्ट और सब प्रोडक्ट कैटेगरी भी है जो आप अपनी चॉइस के हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए सिर्फ आपको वीडियो रिपेयर ही करना है तो वो आपको $39.99 में मिल जाएगा, आपको सिर्फ फोटो रिपेयर ही करना है तो आपको $29.99, या आपको सिर्फ फाइल रिपेयर का काम करना है तो $39.99, या आपको सिर्फ ओनली ऑडियो रिपेयर करना है तो $39.99 के अंदर आपको मिल जाएगा। सो आपके पास में काफ़ी सारे ऑप्शन हैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, और आप किस चीज़ का आपको रिपेयर करना है वो उस हिसाब से आप अपना प्लान चूज कर सकते हैं। आज का वीडियो आपको कैसा लगा, आपको इसके फीचर्स कैसे लगे, और आपके कमेंट्स का जो है दोस्तों वो मुझे रहेगा इंतज़ार। इससे जुड़े कोई भी सवाल है तो आप मुझे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, और इसका जो भी लिंक है सारा वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है ताकि आपको बहुत ही आसानी हो। पर्सनली मैं आपको ये कहना चाहूँगा, पहले आप इसका ट्रायल वर्जन ट्राई करके देखिए, और आपको लगता है कि हाँ इससे आपका वीडियोज़ जो है वो करप्ट वीडियोज़ आपके रिपेयर हो सकते हैं या फोटोज़, तो फिर आप पेड वर्जन पर जाइए। उम्मीद है आज के इस वीडियो से आपको थोड़ी सी हेल्प मिली होगी। आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।